ये देखो आगे गोरा। So guys, welcome back to my channel Sam Maverick. Hope you guys are doing absolutely fine. So guys, आज सुबह सुबह निकले मैसूर जाने के लिए। मॉर्निंग राइड करने का बहुत मन था तो मैसूर जा रहे हैं। अभी दिन के 6 या 7 बज गए तो अभी जो है तेल भराने जा रहा हूँ। तो गाइस अभी पहुँच गया शेल पेट्रोल पंप, तो पेट्रोल भरा लेता है। तो गाइस तो अभी जा रहे हैं मैसूर की तरफ, तेल भरा लिया और पिकअप काफ़ी अच्छा दे रहा है। तो गाइस ये रहा पहला टूल गेट। तो सुबह के टाइम भी इतना सारा गाड़ी है, आगे देख सकते हैं ये बिल्डिंग का कलर देख लो गाइस, रेनबो की तरह दिख रहा है। तो गाइस देख 70 का स्पीड में जा रहा है और ये ट्रक भी इतने का स्पीड में जा रहा है, तो काफ़ी तेजी से आता है इस तरफ। गुड मॉर्निंग, पूरा रोशनी हो गया, अभी धीरे धीरे मॉर्निंग हो रहा है, मज़ा आ रहा है क्रूज करके। मतलब पल्सर 180 जो 70 का स्पीड में क्रूज करने से काफ़ी स्मूथ चलती है इंजन, तो उसी स्पीड में जा रहा हूँ। तो गाइस अभी मैसूर इस रोड से जाना पड़ेगा हम लोगों को, ये वाला नाइस रोड और ये वाला मैसूर। तो गाइस अभी टूल गेट में जो फंस गया था, कुछ टूल पास का प्रॉब्लम हो गया था लेकिन जल्दी क्लियर हो गया। तो गाइस ये देख लो कितना मस्त लग रहा है। तो गाइस इस वाले रोड में हम लोग लास्ट टाइम भी आए थे शादी के टाइम पे। तो गाइस आगे जा रहे मिल्क टैंकर, जस्ट इमेजिन कितना सारा लीटर का दूध होगा अंदर। मुझे पता नहीं कि कैमरा में दिखाई दे रहा है कि नहीं, लेकिन आगे देख लो गाइस कितना अच्छा सा माउंटेन दिखाई दे रहा है। क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? तो गाइस इधर थोड़ा हॉल्ट ले लिया क्योंकि अभी थोड़ा चाय पीने के लिए इधर ये वाला ढाबा या होटल में पीएंगे चाय, क्योंकि काफ़ी भूख लग रही। तो गाइस खाना पूरा हो गया, अभी चलते हैं। तो गाइस उस तरफ रेल ट्रैक दिखाई दे रहा है, हो रहा। तो गाइस देख लो इतना अच्छा दिख रहा है, कोकोनट का पेड़ और पीछे जो है माउंटेन का सीनरी जो है काफी अच्छा लग रहा है। और इधर आ गया पहला ब्रेकर, अंकल जी रेस करते हुए। तो गाइस इधर कुछ पैलेस जैसा दिख रहा है, पता नहीं, अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट सेक्शन करके बताओ। थैंक यू विजिट अगेन लैंड ऑफ टॉयज चन्नापटना। लैंड ऑफ टॉयज क्यों बोला जाता है मालूम नहीं। तो गाइस एक ओपन रोड आ गया जो काफी बड़ा है, तो मोस्ट प्रोबेबली नया नया बना है तो काफी मजा आ रहा है चलाने में। तो गाइस इतना ब्यूटीफुल है इधर। तो गाइस काफी लंबे चलाने के बाद अभी पहुंचने वाला है। तो गाइस अभी चाय का ब्रेक लिया है और अभी भी अराउंड 30 से 40 किलोमीटर्स बाकी है मैसूर पहुंचने के लिए, जो हो जाएगा। तो गाइस इधर तेल भराने के लिए आया क्योंकि दो स्टिक दिखा रहे, तो रिक्स नहीं लेना चाहूँगा। 400 बादल देख लो इतना अच्छे से दिख रहा है, होप सो कैमरा में जस्टिफाई कर रहा है, काफ़ी ब्लू स्काई और रोड तो देख ही सकते हैं, बहुत मस्त है। मैं ये कैसे जगह में आ गया, तो ऐसा लग रहा है कि पूरा प्लेन हो गया ये देखो, वाह। तो गाइस बेसिकली हम लोग वो दोस्त का घर जा रहे हैं, उधर ही रहता है, उसका नाम है तेंजिंग, वही हम लोगों को गाइड कर रहा है। और मैं आया हूँ अनीता के साथ क्योंकि बाकी दोस्त लोग का जो सबका काम है तो वो लोग नहीं आ पाए, और मुझे जो बाइक राइड जाने का काफ़ी मन था। तो गाइस थोड़ा पानी का नज़ारा देख लो। तो गाइस मैंने वो जो साइन बोर्ड होता है वो मिस कर दिया, मेरा गोप्रो एक्चुअली बंद था, तो मैसूर अभी पहुंच गए हम लोग। करीबन 3-4 घंटे लगे पहुंचते पहुंचते बेंगलोर से। एक्चुअली तेंजिंग का जो है बाइक में थोड़ा खराबी है, कल ही मतलब पूरा इंजन को खोल के नया बनाया, कुछ खराबी होने की वजह से पूरा इंजन ऑयल जो है सूख गया था, तो उसकी वजह से पूरा इंजन को खोल के फिर से नया बनाना पड़ा, तो इतना पिकअप अभी नहीं ले रहा है।
तभी जाके थोड़ा लेट हो गया हम लोग, लेकिन मजा आया इस राइड में। मैसूर पहुंच गया और एक चीज नोटिस किया मैंने कि काफी क्लीन है गाइस। हाँ बेंगलोर भी क्लीन है लेकिन देख लो। तो ये मेरा सेकंड टाइम है मैसूर में, इस बार पहले बार बाइक से आ रहा हूँ। तो देख लो गाइस, ये रहा मैसूर। और इधर जो है ना आप, लेकिन इधर देख लो गाइस, गाड़ी नहीं है, ऐसा लग रहा है कि आप काउंट भी कर सकते गाड़ी कितना है। तो इतना पीस है इधर और इतना आराम से चला सकता है। काफ़ी भूख लग रही है तो अभी डायरेक्टली खाना खाने के लिए वो वाला होटल में जाएंगे। तो इधर पार्क कर लिया बाइक। तो गाइस ये रहा मेरा मटन बिरयानी, पुलाव, उधर है मेन्यू, ये देख लो। क्या कर रहा है अनिता? पुलाव। तो गाइस अभी खा के निकल गया, देखते हैं अभी कहाँ जाना है। लॉकडाउन के चक्कर में काफ़ी सारे दुकानें मतलब बंद हैं, तो देखेंगे। देख लो काफ़ी गर्मी हो गई, तो मैंने जैकेट जो लगाया था उसका जीप खोल लिया है, तो काफ़ी ठंडा ठंडा हवा आ रहा है, मज़ा आ रहा है। इधर देखो घोड़ा का रिक्शा आपको दिखाई देगा काफ़ी सारे, और उधर पैलेस। तो पैलेस अभी बंद है शायद कोविड की वजह से। तो आप लोग लैंडस्केप इंजॉय कर लो मैसूर का, तो जैसा दिखता है पैलेस का सामने। और इधर भी देख लो ये क्या घर है या अम्यूजमेंट पार्क जैसा है। तो गाइस मैसूर में इतना आपको बेंगलोर की तरह मॉल्स वगैरह इतना दिखाई नहीं देंगे, काफ़ी मतलब सिंपल है इधर, और ऐसे पुराने पुराने बिल्डिंग्स मतलब गोवा की याद दिला दी। और ये वाला रोड देख लो गाइस कितना अच्छा है, ऐसा लग रहा है कि मूवी का कुछ सीन जैसा है, इधर एक मूवी भी शूट कर सकता है। तो गाइस अनफॉर्चुनेटली पार्क बंद है, तो हम लोग ऐसे ही बाइक राइड करके एंजॉय कर रहे हैं लैंडस्केप। लगता है कि ऐसे ही करना पड़ेगा, अंदर जाने का तो मन था पार्क का लेकिन बंद है। ये देखो 40-50 स्पीड में क्रूज करके बस मैसूर जगह का आनंद ले रहा हूँ। तो गाइस अभी घोड़े की राइड फर्स्ट टाइम, तो ये देखो आगे घोड़ा। तो गाइस अभी हम लोग घोड़े की सवारी एंजॉय कर रहे हैं, ये रहा अनिता। तो गाइस अभी हम लोग घोड़े की सवारी से उतर गए, तो थोड़ा इसी मॉल में जाके कुछ देखेंगे सामान। तो ये रहा हम लोगों का सवारी। तो मैसूर में काफ़ी सारे ऐसे घोड़े की सवारी आपको मिल जाएंगे। अंदर कुछ ऑर्नामेंट्स मतलब क्राफ्ट वगैरह था, तो देख के आ गया, अंदर कैमरा अलाउ नहीं था तो शूट नहीं कर पाया। और ये रहा हम लोगों का घोड़ा, तो चलते हैं। गाइस ये रिक्शा का एक बार इंटीरियर भी देख लो, तो काफ़ी सारे डिज़ाइन हैं। सवारी पूरी हो गई, सो थैंक यू टू दैट हॉर्स। सो गाइस काफ़ी मज़ा आया मतलब घोड़े की सवारी करके, और काफ़ी स्ट्रॉन्ग है ये हॉर्स। फिलहाल ये रहा मैसूर पैलेस, लेकिन अभी बंद पड़ा हुआ है कोविड की वजह से, अंदर अलाउ नहीं है, तो लोग ऐसे बाहर में ही चिल आउट कर रहे हैं। मेन रोड का मिडल में ऐसा मोन्यूमेंट बनाया हुआ है, इधर सर्कल होता है मतलब आपका गाड़ी जो है इधर से उस तरफ जा सकते हैं, नहीं तो ये उस तरफ जा सकते हैं, और ठीक मिडल में ऐसा मॉन्यूमेंट बनाया हुआ है। गाइस मैसूर पैलेस का एंट्री, तो गेट कुछ ऐसा दिखता है, ये रहा। तो फिलहाल इधर रेस्ट कर रहा हूँ थोड़ा, काफ़ी गर्मी बढ़ गई है। तो गाइस वो रहा मेरा बाइक, मैंने उधर पार्क किया हुआ है जहाँ पर ये एंट्री है, ऐसे ही इधर चिल कर रहे हैं।
क्योंकि घूमने का तो जगह नहीं है, वैसे ही कोविड की वजह से पूरा बंद पड़ा हुआ, तो बस इधर ही चिल करके पेड़ का नीचे आराम कर रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी थक गए थे इतना 4 घंटे चला के बाइक, और अभी जाना भी है फिर से। तो गाइस अभी मैसूर से निकल रहे हैं बेंगलोर की तरफ, तो वैसे तो घूमने इतना नहीं मिला, मतलब पैलेस हो गया या पार्क हो गया, लेकिन तो राइड करने में बहुत मज़ा आया, तो अभी जा रहे हैं बेंगलोर की तरफ, होप आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। तो गाइस शर्मा देख लो, उधर से लिया मैं 70 रुपीस। तो गाइस अभी थोड़ा थोड़ा बारिश हो रहा है, तो ये देखो शीशे में आप लोग देख सकते हैं, एम्बुलेंस को साइड दो भाई, ये अभी भी बैंगलोर जो 1 आवर 54 मिनट्स बाकी है। तो फाइनली बैंगलोर पहुंच गए, इलेक्ट्रॉनिक सिटी, काफ़ी मज़ा है इस ट्रिप में, तो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो बिल्कुल लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए सैम मैविक, एंड होप सो मैसूर वाला मोटर ब्लॉगिंग आप लोगों को पसंद आया होगा। Until then guys, I'll see you in the next vlog. I'll be a change in this world, be a history maker. God bless. And do subscribe to my channel, Sam Maverick, for more upcoming vlogs and motor vlogging. And I love you guys. Thank you for the support. Bye. So guys, इधर गन्ने का जूस पीने के लिए थोड़ा ब्रेक लिया, थक गया 2-3 घंटे चला के, तो आंटी प्रिपेयर कर रहा है फ्रेश शुगर केन।